क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ मैट्रिक्स ए है ना इज इक्वल टू एफ ए, ये क्या तरीके के पास कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन, देन फाइंड ए इनवर्स। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्या प्रूफ करना है आपको, ए इनवर्स इंटू ए ये किसके इक्वल होता है, आई थ्री, मतलब थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ऐसे क्या प्रूफ करना है कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, एफ माइनस अल्फा के इक्वल होता है। और इसका थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई है ना इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए को आप एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। देखो यार, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके डिटरमिनेंट ए के लिए निकाल लेते हैं। देखो यार, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल आएगी जीरो के, है ना, तो इसका इनवर्स निकल सकता है। और अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, ठीक है ना, अगर जीरो के इक्वल आ जाती है तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है, याद है आपको अच्छी तरीके से। चलें फिर आगे, अब देखो इधर, सॉरी डिटरमिनेंट में लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो इस कॉलम C3 के अलोंग इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं हम अलोंग C3। करो देखो, जब आप इसको, ये तो जीरो जीरो इसकी वजह से वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो कितना रहेगा, वन तो आपका बाहर, ठीक है, ये रो और ये कॉलम हट गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन अपनी तरफ से, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके लिए कितनी आ गई, वन आ गई, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स मतलब इसका जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स निकल सकता है, ठीक है। अब देखो इधर, अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट का मतलब क्या था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इनवर्स का फॉर्मूला देखें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना था, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता था, ठीक है, याद है आपको फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स रखा है ए, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। और एडजॉइंट का मतलब क्या था, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, क्या मतलब था, एडजॉइंट का कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो देखो, हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर के लिए पहले माइनर फैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलें स्टार्ट करें, तो पहले निकालते हैं माइनर फैक्टर, M11, ये रो और ये कॉलम हटा, कितना आ गया, कॉस अल्फा माइनस जीरो, ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही M12, ये रो और ये कॉलम हटा, ये रो और ये कॉलम हटा, कितना आ गया, साइन अल्फा माइनस जीरो, कितना आ गया पास, साइन अल्फा। ऐसे ही M13, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम हटा, जीरो माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे हम निकाल रहे हैं M21, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम हट गया, माइनस का साइन अल्फा माइनस जीरो, तो कितना आ गया, माइनस का साइन अल्फा आ गया, ठीक है ना। ऐसे अब हम निकाल रहे हैं M22, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम हट गया आपका, तो कॉस अल्फा माइनस जीरो, क्या आ गया पास, कॉस अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही M23, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम हट गया, ठीक है ना, जीरो माइनस और माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। M31, अब क्या निकाल रहे हैं हम, M31 निकाले, ये रो और ये कॉलम हट गया, जीरो माइनस जीरो, कितना आ गया पास, जीरो आ गया। ऐसे ही M32, ये रो और ये कॉलम हट गया, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम हट गया, जीरो माइनस जीरो, ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना, बात क्लियर है। ऐसे क्या निकालते हैं अब, M33, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो सर, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके लिए कितनी हो गई, के पास वन हो गई, ठीक है ना, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, वन। अब मुझे क्या चाहिए, इनके माइनर फैक्टर चाहिए, तो M11 ऐसे ही, सॉरी A12 ऐसे ही, A13
A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बात क्लियर है? अब देखो यार, कोफैक्टर का मतलब क्या था कि ये जो इवन है, अगर है ना, अगर इवन है तो जो साइन है इस पर बिल्कुल एज इट इज रहेगा, अगर ऑड आ रहा है इनका सम तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये इवन हो गया तो क्या आ जाएगा पास, कॉस अल्फा ही आ जाएगा। ये ऑड हो गया है ना, ऑड के लिए साइन चेंज कर दो, माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। ये तो जीरो तो जीरो रहेगा, ये ऑड हो गया, साइन चेंज करो, कितना आ जाएगा साइन अल्फा, है ना। ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा ही रहेगा क्योंकि इवन आ रहा है। ये ऑड हो गया तब भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये क्या हो गया आपका इवन हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए था इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट का मतलब क्या था बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये रहे मेरे पास कोफैक्टर्स, इनका ट्रांसपोज, तो मैं इनको डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। या चलो ये पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा बोलो, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा जीरो, है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात, चलें फिर आगे। अब देखो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट कितना आ जाएगा पास, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना आ गया पास, इसका ट्रांसपोज करते हैं, कितना आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा जीरो, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और जीरो, जीरो जीरो और वन, ये क्या आ गया इसका एडजॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है इसका इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इसका क्या फॉर्मूला था, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए कितनी है, वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा मेरा एडजॉइंट, कितना है कॉस अल्फा, है ना, इंटू साइन अल्फा जीरो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो जीरो और वन, ठीक है। तो जो इसका इन्वर्स है वो कितना आ गया पास, सेम ही आ गया, है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 और वन, ये क्या गया इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। बात क्लियर है, इसका इन्वर्स निकल गया। अब इसने हमसे क्या बोला है, अब एक एक पार्ट इसका प्रूफ करते जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि ए इन्वर्स इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, आई थ्री के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। करें देखो इसको मल्टीप्लाई, ये ए इन्वर्स और ये आपका ए, कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, करो देखो कितना आ जाएगा के पास, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सेकेंड रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आप इसको, कितना हो जाएगा बोलो, कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, और प्लस जीरो, ठीक है। अब इसी को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। अब करो देखो, अब सेकेंड रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले पहले कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, करो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस जीरो, ठीक है, ये आपका एक एलिमेंट तैयार। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब इसे करो थर्ड वाले से, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस वन, ठीक है। बात क्लियर है, अब देखो इधर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके लिए आप वन लिख सकते हो, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, कितना हो गया जीरो, ये आपका जीरो, ये भी आपस में कैंसिल, कितना आ गया जीरो, इसकी जगह वन रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, जीरो 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 और वन। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का हो गया, थर्ड ऑर्डर का। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है, अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या था आपके पास, देखो सेकेंड पार्ट क्या था आपके पास,
क्या प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में आपको, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो मैं इसका आरएचएस उठाता हूँ, आरएचएस कितना है के पास, एफ माइनस का अल्फा, ठीक है बात क्लियर है। तो जहां पर आपको है ना जो फंक्शन दे रखा है उसमें आपको अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस अल्फा। जब आप रिप्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फा, माइनस का साइन बाहर, साइन माइनस का अल्फा, ठीक है जीरो, साइन माइनस का अल्फा, कॉस माइनस का अल्फा, जीरो 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 और वन, ठीक है बात क्लियर है। अब देखो कितना हो जाएगा, कॉस क्या करता है, माइनस का साइन खा जाता है, कितना आ जाएगा कॉस अल्फा, साइन माइनस का साइन नहीं खाता तो माइनस का साइन बाहर निकलेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फा जीरो, ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ये कितना हो गया कॉस अल्फा जीरो जीरो और ये वन। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया आपका, किसके इक्वल आ चुका है, ये ए इनवर्स के इक्वल आ चुका है और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको बोलो, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना था आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे आप, ए आपके पास है ही और एडजॉइंट ऑफ ए है ही आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है ना, ऐसे ही ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो, तो वो किसके इक्वल आना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री के इक्वल आना है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें भी प्रूफ करा था ऐसा, तो आपको ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है ना। अब आगे वाला पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन इंटू माइनस एट वन फोर 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 सेवन वन माइनस एट और फोर, देन प्रूव दैट ए इनवर्स, ये किसके इक्वल है, ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। देखो इधर सबसे पहले अगर हम बात करें ए सॉल्यूशन, देखो अगर हम बात करें ए, ए हमें कितना रखा है, वन अपॉन नाइन इंटू माइनस का एट वन फोर 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 सेवन वन माइनस एट और फोर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इधर मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, मैंने क्या कर लिया कि जो लेट करा कि बी बी कर बराबर कितना है आपके पास, माइनस का एट वन फोर 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 सेवन वन माइनस एट और फोर, ये आपका क्या है, बी है। तो ए किसके बराबर हो गया आपका, वन अपॉन नाइन इंटू बी के बराबर हो गया, हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना। अब देखो इधर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बी का इन्वर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे है ना, तो ए इन्वर्स अगर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ पहले कि जो ए इन्वर्स है वो कितना हो जाएगा, वन अपॉन नाइन इंटू बी, इस पूरे का होल इन्वर्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, वन अपॉन नाइन इसका इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स, ठीक है। इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, नाइन इंटू बी इन्वर्स, तो जो आपका ए इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, नाइन इंटू बी इन्वर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है बस समझ आ गई। अब देखो यार इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी का इन्वर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका पहले एडजॉइंट निकाल सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट ऑफ बी करो, देखो माइनस का भाई आपका ये प्लस माइनस और ये प्लस, माइनस का एट आपका एज इट इज, फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, ठीक है। माइनस का वन, ये रो और कॉलम कैंसिल, फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस सेवन, प्लस का फोर है ना, माइनस का थर्टी टू और माइनस फोर, देखो कितना आ गया पास, माइनस का एट सिक्स सिक्स ट्वेल्व कैरी वन, फाइव और वन सिक्स और वन सेवन, माइनस का वन है ना, और ये कितना हो जाएगा पास, नाइन, ठीक है ना, प्लस का फोर आपका एज इट इज, माइनस का थर्टी सिक्स, ठीक है ना। एट टू जा सिक्सटीन कैरी वन, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स और वन फिफ्टी सेवन, माइनस ये कितना हो गया, माइनस का नाइन और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करा, माइनस फोर सिक्स है ट्वेंटी फोर कैरी टू, ट्वेल्व और टू फोर्टीन, ऐड करो इसको, जब आप ऐड करोगे कितना रहेगा, सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन, कितना रहेगा पास, सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन आ रहा है, ठीक है ना। जो क्या है आपके लिए, किसका क्यूब है बोलो, माइनस का साइन एजेस, नाइन का क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है बात क्लियर है। अब देखो इधर
इसका मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल है किसके, जीरो के। इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका जो इनवर्स है वो क्या है, निकल सकता है, ठीक है ना। चले इनवर्स निकाले इसका, ठीक है ना। तो देखो यार, इनवर्स के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, इस बी के माइनर फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो पहले निकालते हैं अपन एम वन वन, ठीक है, फोर फोर जा सिक्स, भाई ये रो और ये कॉलम कैंसिल, फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस टू माइनस प्लस, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, कितने के पास, सिक्स इज ट्वेल्व, फाइव सेवेंटी टू, एम वन टू, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस सेवन, कितने के पास, नाइन, एम वन थ्री, ठीक है ना, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस का थर्टी टू और माइनस का फोर, कितने के पास, माइनस का थर्टी सिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही एम टू वन निकालना है, एम टू टू निकालना है, एम टू थ्री, ऐसे ही एम थ्री वन, एम थ्री टू और एम थ्री थ्री, चले निकालो। देखो एम टू वन, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम हट गया, फोर वन जा फोर, है ना, माइनस और माइनस प्लस, एट फोर जा थर्टी टू, कितने के पास, थर्टी सिक्स आ गया। एम टू टू मतलब ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस का थर्टी टू और माइनस का फोर, कितने के पास, माइनस का थर्टी सिक्स। एम टू थ्री, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस का सिक्सटी फोर, है ना, और माइनस का वन, माइनस ये रो और ये कॉलम कैंसिल, है ना, तो सिक्सटी फोर प्लस का होगा और माइनस का वन, कितने के पास, सिक्सटी थ्री आ गया। एम थ्री वन, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, सेवन वन जा सेवन, माइनस सिक्सटीन, कितने के पास, माइनस का नाइन आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही एम थ्री टू, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस का फिफ्टी सिक्स, माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस का सेवेंटी टू। एम थ्री थ्री, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, माइनस का थर्टी टू और माइनस का थर्टी टू और माइनस का फोर, माइनस का थर्टी सिक्स, बात क्लियर है। अब देखो इधर, ये क्या आ गया पास, माइनर फैक्टर। अब मुझे क्या निकालना है इनके को फैक्टर, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, ठीक है। को फैक्टर का मतलब साइन चेंज करके लिखना है, अगर इवन और ओड के बेसिस पर, है ना। देखो ये क्या हो गया, इवन हो गया तो ये बिल्कुल सेवेंटी टू ही रहेगा, ओड हो गया तो माइनस का नाइन हो जाएगा, ये क्या हो गया इवन तो माइनस का थर्टी सिक्स, है ना, ये आपका ओड हो गया, ओड हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का थर्टी सिक्स, ए टू टू, है ना, इवन हो गया तो सेम साइन रहेगा, माइनस का थर्टी सिक्स, ओड हो गया तो माइनस का सिक्सटी थ्री, बोलो थर्टी वन, इवन हो गया तो माइनस का नाइन, ओड हो गया तो सेवेंटी टू, इवन है तो माइनस का थर्टी सिक्स, ठीक है ना, बात क्लियर है। अगर हम बात करें बी, ठीक है ना, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहे हैं। एडजॉइंट का मतलब पता है ना, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो देखो को फैक्टर क्या के पास, सेवेंटी टू, माइनस का नाइन, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का सिक्सटी थ्री, माइनस का नाइन, सेवेंटी टू और माइनस का थर्टी सिक्स। तो इसका जो एडजॉइंट है वो कितना जाएगा पास, सेवेंटी टू, माइनस का नाइन, माइनस का थर्टी सिक्स, ठीक है ना, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का सिक्सटी थ्री, माइनस का नाइन, सेवेंटी टू और माइनस का थर्टी सिक्स, ये क्या आ गया आपका, एडजॉइंट आ गया है, ठीक है ना, क्या गया पास, एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखो यार, अगर मुझे बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स का मतलब क्या हो गया, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना, ये कितना आया था, माइनस का नाइन का होल क्यूब आया था, ठीक है, और ये कितना के पास, सेवेंटी टू, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का नाइन, माइनस का नाइन, माइनस का थर्टी सिक्स, सेवेंटी टू, माइनस का थर्टी सिक्स, माइनस का सिक्सटी थ्री और माइनस का थर्टी सिक्स, ठीक है। अब देखो यार, ऊपर से नाइन कॉमन निकल रहा है, हर एलिमेंट से क्या निकल रहा है, नाइन कॉमन निकल रहा है, तो वन अपॉन माइनस का नाइन क्यूब इन टू, हमने क्या कर लिया, यहाँ से नाइन कॉमन निकाल लिया, नाइन एट जा सेवेंटी टू, नाइन फोर जा
36, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 4, 9, 8 जा 72, ठीक है ना, 9, 4 जा 36, 9, 7 जा 63, माइनस का 4, ठीक है, एक 9 से कितना रह गया पास, माइनस का 1 अपॉन 81, ठीक है, और डिटरमिनेंट ये रहा आपका, सॉरी डिटरमिनेंट क्या, मैट्रिक्स 8 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 4 और 8, माइनस 4 माइनस 7 और माइनस का 4, ठीक है, बात क्लियर है। ये क्या आ गया आपका, बी इनवर्स आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना था आपके पास, 9 इंटू बी इनवर्स आया था, तो 9 इंटू बी इनवर्स, देखो यार बी इनवर्स कितना है आपके पास, बी इनवर्स कितना आपके पास, ये रहा माइनस का 1 अपॉन 81, और ये रहा आपके पास डिटरमिनेंट, क्या आपके पास, 8 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 4 8, माइनस का 4 माइनस का 7 और माइनस का 4, ठीक है, देखो 9 से कट गया ये 9, और माइनस के साइन को अंदर ले जाता हूँ, 1 अपॉन 9, ठीक है ना, और माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 8 4 1, 1 4 और माइनस का 8 4 7 और 4, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इनवर्स मतलब सॉरी ट्रांसपोज, है ना, ये तो क्या गया मेरा, ए इनवर्स आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, देखो ए कहां पर है, ये रहा, अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहे हैं अपन, ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, कितना हो जाएगा, माइनस का 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 और 4, ठीक है। अब देखो इधर ये दोनों क्या हो गया आपस में, इक्वल आ रहे हैं, है ना, और साथ सॉरी 1 अपॉन 9 भी था आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन 9 तो एज इट इज। अब देखो जो ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका ए इनवर्स रहा, कितना है, 1 अपॉन 9 माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4, और ये आपका क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो दोनों क्या आ गया आपस में इक्वल, ये क्या हो गया।